हम जानते हैं आपको हमारा कंटेंट बहुत अच्छा लगता है, तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाइएगा। स्वागत है आप सबका प्रोटोमोटिव में, मैं हूं आपका होस्ट परीक्षित। और आज जो वीडियो हम आपके लिए लेके आए हैं वो कुछ अलग होने वाला है। यूजुअली हम आपको गाड़ी के पेंटिंग पे फोकस करके पूरा वीडियो दिखाते हैं, आज का वीडियो जो है वो डेंटिंग फोकस्ड होने वाला है। इस वीडियो में हमारे पास एक फिएट पुंटो आई जो कि 8 साल पुरानी है। गाड़ी को ट्रेलर ने बैंग किया था, गाड़ी का क्वार्टर पैनल, पीछे का बम्पर, डिक्की, ये सब डैमेज था। उसके अलावा पीछे का विंडशील्ड भी टूट चुका था। तो इस वीडियो में हमने वो सारे पैनल्स रिपेयर किए हैं और उसके बाद इस पूरी गाड़ी को पेंट किया है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने गाड़ी के पीछे के फिटमेंट्स खोल लिए और उसके बाद हम गाड़ी के रियर सेक्शन पर चेन बांधकर पैनल्स को स्ट्रेटन आउट करेंगे। क्वार्टर पैनल को चेंज करने के लिए हमने सबसे पहले ग्राइंडर से क्वार्टर पैनल के एजेस कट कर लिए। हम क्वार्टर पैनल को पूरा चेंज नहीं कर रहे हैं। ऐसा हम इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि फिर हमें ए पिलर और बी पिलर में भी चेंजेस करने पड़ते, उसमें हमारा काम भी बढ़ जाता और विदाउट एनी रीजन कस्टमर को भी ज्यादा पैसा खर्चा करना पड़ता। अभी जो आप वीडियो में गाड़ी का इंटरनल फ्रेम देख रहे हैं, पहले हमारा प्लान था कि फिएट से वहां के लिए नया पार्ट मंगा के वो पार्ट रिप्लेस करेंगे, बट क्योंकि फिएट की गाड़ियां बहुत ज्यादा नहीं बिकती हैं तो पार्ट्स हमेशा बैक ऑर्डर में रहते हैं और इसलिए हमें वहां पर एक नया पार्ट टोटली फैब्रिकेट करना पड़ गया। एज अ पेंट शॉप हमारा बहुत बड़ा एक चैलेंज रहता है कि कभी कभी जिन गाड़ियों के पार्ट्स बैक ऑर्डर में रहते हैं या रेडिली अवेलेबल नहीं रहते हैं तो हम बहुत ज्यादा टाइम वेट नहीं कर सकते, क्योंकि कभी कभी इसमें 2 महीने 3 महीने भी लग जाते हैं। तो इन केसेस में हम कस्टम पार्ट्स गाड़ियों के लिए डिजाइन कर देते हैं ताकि गाड़ी का काम फटाफट हो जाए। सबसे पहले हमने ग्राइंडर से उतना क्वार्टर पैनल कट कर लिया जो हम अब रिप्लेस करने वाले हैं। आप वीडियो में देख पा रहे होंगे कि जो ग्रे कलर का नया क्वार्टर पैनल है, जो कि नया पीस है, वो प्रॉपरली बैठ चुका है, पर एक्चुअली हम वहां पर वेल्ड नहीं कर सकते। हम ऊपर और नीचे की साइड दोनों तरफ पुराने क्वार्टर पैनल का एक और पीस कट करेंगे। और ऐसा हम क्यों कर रहे हैं मैं आपको वीडियो में थोड़ी देर में फिर से बताऊंगा। हमने आपको वीडियो में अलाइनमेंट का प्रोसेस एक या दो बार ही दिखाया है, बट एक्चुअली क्वार्टर पैनल अलाइन करने में हमें 25 से 30 अटेम्प्ट्स करने पड़ गए। सब जगह से गैप्स बराबर आना चाहिए, फिनिशिंग भी सब जगह से बराबर आनी चाहिए। इसके लिए बहुत जरूरी है कि अलाइनमेंट अच्छे ढंग से किया जाए। कमिंग बैक टू द टॉपिक, अब आप वीडियो में देखेंगे कि जो पुराना क्वार्टर पैनल हमने एक्सेस में कट किया था वहां पर मेटल की एक एडिशनल पट्टी हम सपोर्ट के लिए वेल्ड कर रहे हैं। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं कि जब नया क्वार्टर पैनल और पुराना क्वार्टर पैनल हम आपस में वेल्ड करें तो उनके पीछे एक सपोर्ट रहना जरूरी है। तो हम पुराने क्वार्टर पैनल को सपोर्ट पट्टी से वेल्ड करेंगे और हम नए क्वार्टर पैनल के पीस को भी सपोर्ट पट्टी से वेल्ड करेंगे और बीच का जो गैप बचेगा वहां पर हम एक एडिशनल वेल्डिंग करेंगे ताकि दोनों तरफ से उसको प्रॉपर स्ट्रेंथ मिल सके।
फाइनल फिटिंग कर लेने से पहले एक चीज का ध्यान हमें और रखना है कि अंदर के सारे सेक्शंस पे हम अच्छे तरीके से सीलेंट भर दें, ताकि बाद में वाटर लीकेज का प्रॉब्लम और उसकी वजह से रस्ट का प्रॉब्लम गाड़ी में नहीं आए। सारे एडजस्टमेंट, गैप्स, फिटिंग्स हमने चेक कर लिए हैं, तो चलिए अब पुराने क्वार्टर पैनल को नए क्वार्टर पैनल से फाइनल वेल्डिंग करते हैं। आप देख रहे होंगे कि नए और पुराने क्वार्टर पैनल के बीच में एक छोटा सा गैप है, और मिग वेल्डिंग के थ्रू जब हम यहाँ पर वेल्डिंग स्पॉट्स मारेंगे तो ना केवल ऊपर से दोनों मेटल अटैच होंगे, पर ये अंदर तक जाता है और परमानेंटली दोनों मेटल को फ्यूज कर देता है। अगर हम आगे चल के ये क्वार्टर पैनल सेपरेट करना चाहते हैं तो जैसे ओरिजिनली हमने ग्राइंडर से कट करके ये क्वार्टर पैनल अलग किया था, उसी तरीके से हमें इन्हें अलग करना पड़ेगा। गाड़ी के ओरिजिनल क्वार्टर पैनल पे जैसे वेल्ड के निशान रहते हैं, हमने वैसे ही ड्रिल मशीन के थ्रू रेफरेंस पॉइंट क्रिएट करके क्वार्टर पैनल को फ्रेम से वेल्ड कर दिया और अब ये परमानेंटली फिक्स हो चुका है। अब फाइनली हम पैनल को ग्राइंड करेंगे, जो वेल्ड स्पॉट्स एक्स्ट्रा है उनको ग्राइंड करके लेवल कर देंगे और इसके बाद आगे का प्रोसेस शुरू करेंगे। जैसा कि आपने वीडियो में देखा, हमने नए और पुराने क्वार्टर पैनल को फ्यूज करने के लिए मिग वेल्डिंग का यूज किया है। ऐसा नहीं है कि गैस वेल्डिंग का यूज हम नहीं करते हैं, कुछ कामों के लिए हम भी गैस वेल्डिंग का यूज करते हैं, बट ये बात फैक्ट है कि मिग वेल्डिंग का लाइफ ज्यादा रहता है। कोई कोई बॉडी शॉप्स और कोई कोई गैरेजेस में आप नोटिस करेंगे कि ये सब वेल्डिंग का काम गैस वेल्डिंग के थ्रू किया जाता है, बट एक्चुअली मिग वेल्डिंग अगर यहाँ यूज किया जाए तो पैनल की लाइफ में बहुत ज्यादा फर्क आ जाता है। गैस वेल्डिंग का यूज वहीं पर करना चाहिए जहां पर मिग वेल्डिंग काम प्रॉपर नहीं कर पा रही है। रनिंग बोर्ड पे से डेंट निकालने के लिए हमने वहां पर एक पत्रा वेल्ड कर दिया है और उसके बाद उसे हैमरिंग करके रनिंग बोर्ड को नीचे खींच लिया। ये रनिंग बोर्ड रिपेयर करने का एक बहुत ही फास्ट एंड इजी तरीका है। रनिंग बोर्ड का कंप्लीट रिपेयरिंग हो जाने के बाद अब जो वो वेल्डेड पत्रा था उसको हम ग्राइंडर के थ्रू कट कर लेंगे, और क्वार्टर पैनल का भी अब पूरा काम हो चुका है तो वहां पर हम एच प्राइमर एप्लीकेशन शुरू करेंगे। एच प्राइमर का स्प्रे हमने सिर्फ उन्हीं एरियाज पे किया है जहां हमने कट वेल्डिंग का काम किया है, और ये करने का रीजन यही है कि वो एरियाज एक्सपोज्ड हैं। एच प्राइमर उस पर्टिकुलर एरिया को रस्ट भी नहीं होने देगा और उसकी इंटेग्रिटी भी बनाए रखेगा। क्योंकि इस गाड़ी का काम इंश्योरेंस क्लेम में था और इस पर चार पैनल अप्रूव्ड थे, क्वार्टर पैनल, डिक्की, रनिंग बोर्ड और पीछे का बम्पर हम इंश्योरेंस में पेंट करने वाले थे, पर कस्टमर के साथ बैठकर हमने उन्हें ये सजेशन दिया कि एक कंप्लीट साइड तो आप इंश्योरेंस में पेंट करा ही रहे हैं, गाड़ी पर क्योंकि बहुत जगह पर छोटे छोटे डेंट्स हैं तो क्यों ना पूरी गाड़ी को ही पेंट कर दिया जाए। रिपेयर वर्क का पैसा इंश्योरेंस कंपनी पे कर देगी और आप ऊपर थोड़ा स्पेंड करके पूरी गाड़ी पेंट करा सकते हैं। और फिर कस्टमर ने भी यही अग्री किया कि यही ठीक तरीका है। जहां पर चार पैनल का पेंट फ्रेश दिखता था, अब पूरी गाड़ी एक जैसी नहीं दिखेगी। तो मिड प्रोजेक्ट ये डिसीजन लिया गया कि पूरी गाड़ी को ही पेंट कर देना चाहिए।
अगर आपकी गाड़ी का भी एक्सीडेंट हुआ है तो आप हमारे यहाँ पर पेड जॉब भी करा सकते हैं, साथ ही साथ अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस क्लेम भी करा सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए अब आपको गाड़ी के फाइनल शॉट्स दिखाते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।